YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MN होम सॉल्यूशन। एक ही छत के नीचे मकान बनाने का सभी सामान उपलब्ध। जल्द संपर्क करें एक निघाट सेंट्रल बैंक के बगल में लहरिया सराय दरभंगा। लगातार बारिश होने से दरभंगा के कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। बागमती नदी का पानी छुआ तटबंध को। दरभंगा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसमें दरभंगा की बागमती नदी खराजपुर से लेकर एकमी तक के तटबंध में पानी का जलस्तर बढ़ गया और यह तटबंध को छूने लगा है, जिससे आसपास के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में पंचायत चुनाव को लेकर के दरभंगा से दो टीम जाएगी राजस्थान EVM के लिए। दरभंगा में 10 चरण में होने वाले चुनाव को लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। दरभंगा के जिलाधिकारी ने इसे तहत दो टीम का गठन भी किया है, जो राजस्थान से EVM लेकर के दरभंगा के समाहरणालय के पीछे अवस्थित EVM गोदाम में रखा जाएगा। गौरतलब है कि 10 चरणों में होने वाले चुनाव की तैयारी में जिला प्रशासन पूरी तरह जुट गया, इसे लेकर के बैठक हुई है। दरभंगा में टेम्पू यूनियन के बढ़े किराए को लेकर के टेम्पू यूनियन की होगी बैठक। किराया दर तालिका सभी टेम्पू में लगाया जाएगा। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा अब टेम्पू के विभिन्न स्थलों के लिए आवागमन पर अब दर तालिका तय कर दी गई है, जिसके तहत टेम्पू यूनियन की बैठक 6 तारीख को होगी। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि एक जगह से दूसरे जगह का कितना किराया लेना है, इसे लेकर के सभी टेम्पू में किराया तालिका चिपकाया जाएगा। इसे लेकर 6 तारीख को टेम्पू यूनियन की बैठकों की नवीन खट्टी ने संबंध जानकारी दी। DMCH आइसोलेशन में 14 मरीज भर्ती, 6 ICU में कुल 20 मरीज की सूचना, कोई मौत नहीं। दरभंगा DMCH के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आज DMCH के आइसोलेशन में 14 मरीज भर्ती हैं, जबकि 6 मरीज कोरोना ICU में है जिनका इलाज चल रहा है। वहीं रविवार को एक भी मौत की सूचना नहीं है, जबकि 3 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए हैं, एक की हालत गंभीर है। दरभंगा में रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को किया गया सम्मानित। दरभंगा में डॉक्टर्स डे को लेकर के रविवार को रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के कार्यकर्ताओं एवं सभी होल्डरों के द्वारा बीबी पाकर स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करते हुए उन तमाम कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने जान जोखिम में डालकर इस कोरोना काल में मदद की है, उन्हें सम्मानित किया गया, जिनमें डॉक्टर JP कर के साथ कई डॉक्टर एवं यातायात थाना प्रभारी को भी सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की तरफ से एक कार्यक्रम है जो 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये नेशनल डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ये कोरोना वॉरियर्स जो भी इस कोरोना काल में जिन्होंने अपना दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह किए बगैर जिन्होंने काम किया है, उनको हम लोग एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ्स हों, उनको हम लोगों ने रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के बैनर के तले ला करके और उनको हम लोगों ने कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया। दरभंगा में मदारपुर निवासी सुषमा प्रसाद के निधन के बाद हेरिटेज हॉस्पिटल पर लगाया आरोप, DDC से मिलकर की शिकायत। दरभंगा में मदारपुर निवासी सुषमा प्रसाद की पिछले दिनों हेरिटेज हॉस्पिटल में लापरवाही से मौत का मामला उठा था। वहां परिजनों ने हंगामा भी किया था। बाद में 1 लाख रुपया लेने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। इससे आहत परिजनों ने मारपीट का भी आरोप लगाया कि हेरिटेज हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने उनके पुत्र के साथ मारपीट की, 1 लाख रुपया लेकर शव छोड़ने की भी बात की। तो शादी में DDC जा रहे हैं, उनको हमने आवेदन पत्र दिया है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोग अपना काम नाम कीजिए और काम कर दीजिए, ये सब आते हैं तो हम उस पर। दरभंगा के राज परिसर अवस्थित पुलिया टूटने के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन का प्रदर्शन। दरभंगा के राज परिसर से विश्वविद्यालय जाने वाले मुख्य मार्ग में पुलिया के 6 माह से टूट जाने
पर प्रशासन और नगर निगम का ध्यान नहीं रहने पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने आज वहां प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और मोहल्ले वासियों का ध्यान इंगित कराया और कहा कि सभी बातों के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, बल्कि 6 माह से यहां टूटा हुआ पुल है जिससे कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, लेकिन नगर निगम का ध्यान नहीं आया। जी क्या बोलेगा? देखिए दरभंगा राजकिला परिसर के समीप आप थोड़ी दूर पे देखिए पुलिया निर्माण, जो 6 महीना लगभग 5 महीना से ये पुलिया टूटा हुआ है, जिस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। एक निकम्मी व्यवस्था, एक निकम्मा प्रशासन, जो कह लीजिए अगर अगर इस पर कोई ध्यान नहीं दे, अगर इस पर कोई मांग नहीं करे, इसको इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में मरीजों को ट्रॉली मैन के द्वारा गंदगी और पानी से ले जाया जा रहा है वार्ड में। दरभंगा जो डीएमसीएच मिथिलांचल का गौरव कहा जाता है, वहाँ की हालात यह है कि पूरे अस्पताल परिसर में जल जमाव से मरीज, परिजन और ट्रॉली मैन भी परेशान हैं। एक मरीज को इमरजेंसी से मेडिसिन विभाग के वार्ड में ले जाने में ट्रॉली मैन एवं परिजनों को कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इस खबर को देख अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि पानी निकालने के लिए नगर निगम के कर्मी पंप सेट लेकर तैयार नजर आते। दरभंगा डीएमसीएच के आईसीयू के सामने जल जमाव से मरीज और परिजन परेशान, यहां तक डॉक्टर को भी आने में हो रही परेशानी। दरभंगा डीएमसीएच का यह आईसीयू विभाग है जहां गंभीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन यहां पर घुटनों तक पानी होने की वजह से मरीज परिजनों के साथ डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ को भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि मोटरसाइकिल भी डूबते नजर आते हैं। लोगों ने इसे लेकर के कई बार परिसर से जल निकासी की बात की है, लेकिन प्रत्येक दिन हो रहे बारिश की वजह से जल जमाव से मरीज के परिजनों को आईसीयू तक आने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा में लगातार हो रही बारिश के बाद नगर निगम के कर्मचारी लगातार बड़े बड़े पंपिंग सेट से डीएमसीएच परिसर से कर रहे हैं जल निकासी का कार्य। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में लगातार हो रही बारिश की वजह से घुटनों तक पानी होने के कारण दरभंगा नगर निगम को डीएम के द्वारा आदेश दिया गया था कि वहां कर्मचारियों के माध्यम से पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी का कार्य करें। इसे लेकर के 2 बड़े बड़े पंपिंग सेट से विभागों से जल निकासी कार्य किया जा रहा है। गौरतलब है कि लगातार बारिश होने की वजह से दरभंगा डीएमसीएच का सभी विभाग जलमग्न हो चुका है, ऐसे में कर्मचारी लगातार कार्य कर रहे हैं।